फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर। नेक्स्ट लाइन में लिखो द ड्रग हुज एक्टिविटी, द ड्रग हुज एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय, द ड्रग हुज एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय सच एन इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ड्रग। द ड्रग हुज एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय सच एन इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ड्रग। ठीक है, जो ड्रग, जिस ड्रग की एक्टिविटी है जो अफेक्टिव हो रही है इस इंटरेक्शन से, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ड्रग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो द एजेंट विच प्रेसिपिटेट्स, द एजेंट विच प्रेसिपिटेट्स सच एन इंटरेक्शन, such an interaction is referred as precipitant, is referred as precipitant। ठीक है, the agent लिखा है मैंने इसमें, agent में क्या हो सकता है? ठीक है, drug भी हो सकती है, food भी हो सकता है, chemical भी हो सकता है, disease भी हो सकती है। ठीक, जिसकी वजह से जो हमारा interaction है वो precipitate हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेंट। और जिस और जो द और जो है जो द ड्रग हुज एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय सच एन इंटरेक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ड्रग। और जिस ड्रग की एक्टिविटी जो इंटरेक्ट हो रही है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट ड्रग, और जो अफेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेंट, या प्रेसिपिटेट जो कर रहा है उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेंट। क्लियर है इतना? फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर वॉइस आ रही है आपको? ड्रग इंटरेक्शन में क्या होता है किसी ड्रग की, ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, किसी ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी दूसरी ड्रग से क्या हो रही है, ऑल्टर हो रही है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन। नेक्स्ट लिखो causes of drug interaction, causes क्या क्या हो सकते हैं drug interaction के, causes कोई idea है क्या क्या cause हो सकते हैं drug interaction के, कि drug interaction क्यों होती है? क्या क्या cause हो सकते हैं? cause हो सकते हैं जैसे multiple drug therapy, ठीक है, एक से ज़्यादा हम ड्रग थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, पॉलीफार्मेसी, ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट फार्मेसी से अपनी जो मेडिसिन है वो ला रहे हैं, वो दूसरे ब्रांड की है, वो दूसरे ब्रांड की है। थर्ड है मल्टीपल प्रेस्क्राइबर्स, ठीक है, अभी हम इस प्रेस्क्राइबर को फॉलो कर रहे हैं, देन हमें हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम क्या करते हैं दूसरे प्रेस्क्राइबर को फॉलो करते हैं। ठीक, मल्टीपल फार्मेसीज, जैसे मैंने बताया पॉली फार्मेसी या मल्टी फार्मेसी जो होती हैं, अलग अलग फार्मेसी से हम अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, जेनेटिक मेकअप भी होता है। ठीक, देन एन नैरो थेरापेटिक इंडेक्स, ड्रग का नैरो थेरापेटिक इंडेक्स भी होता है, वो भी एक कॉज है ड्रग इंटरेक्शन का। ठीक, पुअर पेशेंट कॉम्प्लियंस, पेशेंट अगर सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, या क्या कर रहा है जो पेशेंट है जो अपनी प्रेस्क्रिप्शन है वो टाइम से नहीं ले रहा है, ठीक है, तो भी क्या होता है ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है। तो इसमें लिखो, कॉजेज में लिखो, कॉजेज ऑफ ड्रग इंटरेक्शन इंक्लूड पॉलीफार्मेसी या मल्टीपल फार्मेसीज। पॉलीफार्मेसी या मल्टीपल फार्मेसी, ठीक, देन लिखना मल्टीपल प्रेस्क्राइबर्स, देन लिखना पेशेंट नॉन कॉम्प्लियंस
पेशेंट नॉन कॉम्प्लेंस में क्या होता है, जो पेशेंट होता है, जैसे डायरेक्ट जैसे प्रेस्क्राइबर ने डायरेक्ट किया है कि तुमको ये मेडिसिन ऐसे लेनी है, वो वैसे नहीं लेता, अपनी मर्जी से लेता है, तब भी क्या होता है, ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है। ठीक, मल्टीपल प्रेस्क्राइबर्स लिख लिया, मल्टीपल प्रेस्क्राइबर्स ये नोट कर लिया आपने, मल्टीपल प्रेस्क्राइबर्स। नो वॉइस। देन है ड्रग एब्यूज एंड मिसयूज, ड्रग एब्यूज एंड मिसयूज, ड्रग एब्यूज एंड मिसयूज। इसमें क्या होता है, सपोज हमें नींद नहीं आ रही है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, नींद लेने के दवाई खा रहे हैं, सेडेटिव्स खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी हम एक्सेस अमाउंट में खा लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा सीएनएस जो होता है पूरी तरह डिप्रेस हो जाता है, तो ये एक मिसयूज है ड्रग का, तो ये भी एक कॉज है ड्रग इंटरेक्शन का, ड्रग एब्यूज एंड मिसयूज, ड्रग एब्यूज एंड मिसयूज। नैरो थेरापेटिक इंडेक्स, किसी किसी ड्रग का नैरो थेरापेटिक इंडेक्स होता है, वो भी क्या करता है, इससे क्या होता है, ड्रग इंटरेक्शन कॉज हो जाता है, नैरो थेरापेटिक इंडेक्स। नैरो थेरापेटिक इंडेक्स सच एज, कौन कौन सी ड्रग का होता है, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन, डिजॉक्सिन, इंसुलिन, सच एज साइक्लोस्पोरिन, साइक्लो स्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन, डिजॉक्सिन। नीलकांत शर्मा, नीलकांत, नीलकांत, आसिफ, नीलकांत और आसिफ, अमान गौर, अमान, नीलकांत, आसिफ, अमान नहीं है क्लास में। नेक्स्ट लिखो, स्पेसिफिक इलनेस, कॉज में ही है ये, स्पेसिफिक इलनेस, स्पेसिफिक इलनेस, सच एज हिपैटिक डिजीज, सच एज हिपैटिक डिजीज और रीनल डिस इन्फेक्शन। स्पेसिफिक इलनेस में क्या होता है, हिपैटिक डिजीज और रीनल डिसफंक्शन, रीनल डिसफंक्शन, रीनल डिसफंक्शन। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन हो गया, ड्रग इंटरेक्शन की डेफिनेशन हो गई, कॉज हो गया, देन आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है, ये दो टाइप का होता है, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन और फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शन और फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शन में क्या होता है, ड्रग का इफेक्ट, ठीक है, क्या होता है, इट इन्वॉल्व द इफेक्ट ऑफ ड्रग या एक्शन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, फार्माकोकाइनेटिक में क्या इन्वॉल्व होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ठीक है, इट इन्वॉल्व द एडीएमई ऑफ द ड्रग। हेडिंग डालना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इंटरेक्शन या एमओए ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। इट इज ऑफ टू टाइप्स या दो टाइप्स का होता है ये, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन और फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन में क्या आ रहा है, इट इन्वॉल्व द एडीएमई ऑफ द ड्रग, इट इन्वॉल्व द एडीएमई ऑफ द ड्रग विच ऑल्टर्ड द ड्रग इंटरेक्शन। ठीक, विच ऑल्टर्ड द ड्रग इंटरेक्शन,
नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन। फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन, फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन आर दोज विच इन्वॉल्व द आर दोज विच इन्वॉल्व द एक्शन और इफेक्ट ऑफ द ड्रग विच इन्वॉल्व द एक्शन और इफेक्ट ऑफ द ड्रग सच एज सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म सच एज सिनर्जिज्म 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 क्या होता है और एंटागोनिज्म क्या होता है। फोर्थ ईयर सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म दो ड्रग एक ही इफेक्ट देती हैं या एक ही इफेक्ट देती हैं, दोनों ड्रग अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, उसको बोलते हैं एंटागोनिज्म। नेक्स्ट लिखो फार्माकोडायनेमिक में लिख दिया आपने आर दोज विच इन्वॉल्व द एक्शन और इफेक्ट ऑफ ड्रग सच एज सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो इम्पॉर्टेंट है वो चार ही है इसमें, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, केमिकल ड्रग इंटरेक्शन और ड्रग डिजीज इंटरेक्शन। एक और एक्स्ट्रा ड्रग लैबोरेटरी टेस्ट इंटरेक्शन। ड्रग लैबोरेटरी टेस्ट इंटरेक्शन फर्स्ट है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, सेकंड है ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, थर्ड है केमिकल ड्रग इंटरेक्शन, फोर्थ है ड्रग डिजीज इंटरेक्शन, फिफ्थ है ड्रग लैबोरेटरी टेस्ट इंटरेक्शन। अदिति प्रसाद वॉइस क्लियर है आपको? अदिति काफी दूर हो ना तुम, ठीक है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन फर्स्ट हेडिंग डालना, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन जो होता है ड्रग इंटरेक्शन की तरह ही होता है, इसमें क्या होता है द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग, इसमें नोट करो इन ड्रग ड्रग इंटरेक्शन द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग सॉरी वन और मोर ड्रग इन ड्रग ड्रग इंटरेक्शन द इफेक्ट ऑफ वन और मोर ड्रग्स वन और मोर ड्रग्स एक या एक से ज़्यादा ड्रग्स जो होती हैं रिएक्टिंग विद वन अनदर एंड इट मे कॉज अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट एंड इट मे कॉज अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, एक या एक से ज़्यादा ड्रग हैं दोनों आपस में इंटरेक्ट हो रही हैं, रिजल्ट क्या हो रहा है अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट को कॉज कर रही हैं, ये होता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ये होता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। एग्जाम्पल लिखो वारफेरिन व्हेन इंटरेक्ट विद, वारफेरिन जो ड्रग होती है वारफेरिन किस कैटेगरी की ड्रग है, वारफेरिन फिरदोश किस कैटेगरी की ड्रग है, वारफेरिन पीयूष
पीयूष, किस कैटेगरी की ड्रग है वॉरफेरिन? किस कैटेगरी की ड्रग है? एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट है। यस मैम, सो रहे हो क्या पीयूष? वासिफ। हाँ, ओपो, ओपोइड एनाल्जेसिक, श्योर? वॉरफेरिन बोल रही हूँ मैं, मॉर्फिन नहीं, वॉरफेरिन। वॉरफेरिन जो मैसेज में लिखा है चेक करो एक बार, मुझे ध्यान आ रहा है एंटीकोगुलेंट है, ध्यान आ रहा है बस, क्योंकि मैंने कॉलोजी इतनी नहीं पढ़ी है। एंटीकोगुलेंट ही ना, ठीक है। वॉरफेरिन कॉज अनएक्सपेक्टेड, वॉरफेरिन कॉज अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट व्हेन इंटरेक्ट विद नेसेड्स, व्हेन इंटरेक्ट विद नेसेड्स, NSAIDs, NS, अनमोल सैनी, अनमोल, अनमोल, क्या होता है नेसेड्स? हो क्लास में? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन में क्या होगा? कोई ड्रग अगर फूड से इंटरेक्ट होके, हमने कोई फूड लिया है ठीक है, और फिर हमने क्या किया है, कोई ड्रग भी ले लिया है, तो क्या होती है, वो इंटरेक्ट हो जाती है एक दूसरे से और ड्रग इंटरेक्शन कॉज करती है। ठीक, एग्जाम्पल लिखो इसका, मिक्सिंग ऑफ एल्कोहल, मिक्सिंग ऑफ एल्कोहल, मिक्सिंग ऑफ एल्कोहल विथ सम अदर ड्रग्स, मिक्सिंग ऑफ एल्कोहल विथ सम अदर ड्रग्स, ड्रग्स ड्रग्स मे कॉज, ड्रग्स मे कॉज टायर्डनेस, मे कॉज टायर्डनेस, टायर्डनेस कॉज करता है ये, और इट मे ऑल्सो, और इट मे ऑल्सो स्लो योर रिएक्शंस, और इट मे ऑल्सो स्लो योर रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है केमिकल ड्रग इंटरेक्शन, केमिकल ड्रग इंटरेक्शन, केमिकल ड्रग इंटरेक्शन, और एक और बचा है ड्रग डिजीज इंटरेक्शन, ये नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, फोर्थ ईयर, ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन पढ़ा है आपने, ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, देन आपने इसके कॉज पढ़े हैं आज, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दो टाइप्स का होता है, फार्माकोडायनामिक और फार्माकोकाइनेटिक, देन टाइप्स पढ़े हैं, टाइप्स में पांच टाइप के हैं, वैसे इंपॉर्टेंट चार ही हैं, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, केमिकल ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग डिजीज इंटरेक्शन, ड्रग लेबोरेटरी टेस्ट इंटरेक्शन। इसमें से कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, फोर्थ ईयर, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, फोर्थ ईयर पूछ सकते हो, कोई क्वेरी है तो।